गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। ठंड बहुत होने लगी है, सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं तो नहा भी लिया हूँ, मुझे बैठना आज दुकान पे, क्योंकि पापा मम्मी हैं नहीं, वो लोग गए शादी में, घर बस बच्चे बच्चे हैं और मैं हूँ। तो देखते हैं शाम तक का ब्लॉग कैसा बनता है, लेकिन जैसा भी होगा ब्लॉग पूरा बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बन रही है सब ब्लॉग में, मिलते हैं बाद में। ये देखिए, आज 1 दिसंबर है और कितना कोहरा है। मतलब लग रहा है कि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। बाहर का कुछ नहीं दिख रहा, बल्कि हल्के फुल्का बस पास का दिख रहा है और दूर का कुछ भी नहीं। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, ये देखिए बहुत ठंड है आज, बहुत ज़्यादा। देखिए मेरी दुकान, साफ़ सफाई तो पहले ही कर दी थी आने से पहले ही, न्यूज़ पेपर भी आ चुका है और अगरबत्ती भी जला दी थी, दुकान की पूजा भी कर दी थी, क्योंकि दुकान की पूजा करना सुबह सुबह बहुत ज़रूरी होता है, अपने कारोबार के सभी को करनी चाहिए। हमारी दुकान भाई, रोजी रोटी है हमारी। तो देखिए दुकान मेरी, सब कुछ है दुकान में। दोस्तों आज का पहला कस्टमर आ चुका है, हमारा भतीजा ही आया है, कार्तिक। कार्तिक क्या लेगा? बिस्कुट लेगा। ये देखो इसके हाथ की बनी होगी। आज कैसा रहता है आज का व्यापार पूरे दिन का? बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। दोस्तों 8 बज चुके हैं और धूप निकलने का भी नाम नहीं, कितना कोहरा है गली में, दिखाता हूँ आपको। देखिए इतना कोहरा है कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है गली का, बाहर का। ये सोचिए दिसंबर आती है, इतनी ठंड आ जाती है, घर से निकला बाहर, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है ठंड की वजह से। दोस्तों ये जैसे देखियो, कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रहा है, खुद बच्चा बच्चे के साथ खेल रहा है। घर लेके जाओगे इसे? दूध पिला दी, जाओ लेके जाओ, जाओ जाओ जाओ। गिरा मत दिए इसे, गिरा मत दिए, चोट मार दिए इसके। बोलो जैस, बोलो हाय। अरे हेलो जैस, हेलो बोलो। तो पिल्ले मस्त भैया, वो किसी पर ध्यान नहीं दे रहा। अभी कोहरा इतना है, गलियां भी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। दोस्तों ब्लॉग का करते हैं कंटिन्यू। 11 बज चुके हैं लगभग और धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। अब तो कोहरा वोरा सब चला गया, धूप काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं तो सुबह से वहाँ आया हूँ छत पे धूप सेकने, सुबह से दुकान में था और कल टैंक दिखाया था मैंने, फूट गया था, उसे सही किया। आज देखते हैं कैसा है वो, चलते हैं छत पे। टूटी हुई सीढ़ी है, चढ़ते हैं 1 मिनट। अरे चढ़ जाऊँ पहले। दोस्तों ये टैंक है, ये इसमें छेद हो गया था, वहाँ पे देखो वो जॉइंट लगाया है, हल्का सा छेद है, फिर भी इतना पानी दिसता है कि पूरा टैंक खाली हो जाता है और पूरी छत पे सीलन आ रही है इसकी वजह से। और ये पीछे खेत में दावत चल रही है, टेंट लगा हुआ है, इधर ये खाना बन रहा है, ये पानी की टंकी है खड़ी है। जिसको भी खानी है दावत आ जाओ। ये मेरी टैंक वाली छत है, यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है पूरे कस्बे का। देखिए ये पूरा कस्बा दिखाई दे रहा है यहाँ से, जितना बड़ा टाउन है। और ये मेरी पड़ोसियों की छत, ताई बैठी हुई छत पे कपड़े सुखा रही हैं। बिना बैठे तो यहाँ कुछ हो ही सकता, बंदर रखेंगे नहीं कुछ, कपड़े भी फाड़ देते हैं और कुछ पेड़ पौधे भी नहीं होने देते हैं। और ये मेरी खेती बाड़ी, ये सब देखिए आप लोग। टैंक को कल सही किया था, रात में पानी भरा नहीं है, आज भी नहीं भरा जाएगा और इसमें पानी कल भरेंगे। 2 बार सही कर चुके हैं लेकिन हुआ नहीं है, 3री बार किया है। अगर देखते हैं होता है तो होता है, नहीं होता है फिर नया टैंक ला के रखेंगे, ऐसे तो पूरी छत खराब हो जाएगी। दोस्तों ही बच्चे हैं, कुर्तियों पर स्टोन चिपकाने, मतलब नग। कितने पैसे मिलते हैं कुर्ती चिपकाने के रागनी? 6 गड्डी। 1 गड्डी के 6 रुपए हैं, 1 गड्डी में कितने 5 पीस होते हैं। सही है, बच्चों को खूब रोज़गार मिल गया है, घर बैठे खेलने से भी बच जाते हैं और पैसे भी कमाते हैं। हमारे टाइम में तो हमें घर से मांगने पड़ा करते थे, बहुत रोज़गार हो गया यहाँ पे तो। अब बच्चे खूब, ये कार्तिक घूम रहा है नंगा। नहा लिया तूने? नहा क्या, सच बता, नहीं नहाया अभी? हेलो गाइज, बोल हेलो बैज, नहीं हेलो गाइज। हेलो गाइज का वीडियो को लाइक करो, लाइक करो।
देख लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे चाचू को सपोर्ट करो। बोलो मेरे चाचू को सपोर्ट करो, मेरे चाचू को सपोर्ट करो भैया। कर लेना, छोटे छोटे बच्चों ने कहा है, धूप में आंखें तो खुल नहीं रही है मेरी, ठीक है। सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना वीडियो को, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, ढाई बज चुके हैं दोपहर के, अब लंच मेरा अब हो रहा है। सुबह से इतना बिजी था कि खाना तक नहीं खा पाया हूँ, ढाई बज गया। कुछ मेहमान आ गए थे, उनको चाय नाश्ता कराया, उसके बाद अब वो लोग गए हैं तो खाने बैठा हूँ। सुबह से दुकान में बैठा हुआ था, खाने में है आलू टमाटर की सब्ज़ी एंड रोटी। आइए खाते हैं साथ में मिलके, ब्लॉग को शुरुआत करें, पहले खा लें उसके बाद ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों खाना पीना तो हो चुका है, पेट भर गया, अब चलते हैं छत की ओर, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, उसके बाद दुकान में बैठूंगा। अभी दुकान में प्रिंस बैठा हुआ है, उसके बाद मेरी ड्यूटी लगी, प्रिंस कोचिंग जाएगा, शाम तक फिर मैं बैठूंगा। चलो चलते हैं छत पे। मम्मी है नहीं घर पे, पूरा घर खाली खाली लग रहा है, वो होती हैं तो अच्छा लगता है, मतलब कोई ना कोई बात करती रहती है, किसी ना किसी छेड़ती रहती हैं। अब वो चली गई हैं तो अच्छा ही लग रहा है, कल आएंगी लौट के घर शाम तक, देखो किस टाइम तक आती हैं। तो छत पे आ गए, धूप में बैठने का अपने ही मज़ा है, पूरी बॉडी को सेक लग जाता है, अच्छा लग रहा है छत पे। बैठते हैं थोड़ी छत पे, उसके बाद जाएंगे नीचे। अब दोस्तों ये देखो बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, इस दिन में ये कुर्तियों पर स्टोन चिपका रहे थे, ये पैकिंग कर रहे हैं, देखो ये सारे पैक होके ये जाएंगी। और ये हाँ, और बच्चों को इसके पैसे मिलते हैं खूब सारे, इनकी पॉकेट मनी हो जाती है, बच्चे खूब चीज़ खाते हैं। ये हमारा छोटा राघवी सो रहा है, इसे बहुत नींद आती है, दारू पी के सोता रहता है ये। और भाभी चूल्हे पे खाना बना रही है, मेथी का साग बना रही है शायद, क्यों भाभी मेथी का साग बनना है। और इधर ये दूसरी वाली भाभी काट रही है साग मेथी का, सब क्या मेथी का साग, ठंड आ गई है। बोलो मेथी साग बना रहे हैं, मेथी का साग चावल की रोटी चूल्हे पे बनेगी, भैया क्या बात है। कम पड़ जाएगा अगर सब लोग आ गए तो, नहीं कम पड़ेगा तो सही है। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं, खाना पीना हो चुका है, बिल्कुल हो चुके हैं फ्री, अब वीडियो को एडिटिंग करना है, तो इसलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कर दिया करो यार, करते तो हो नहीं बिल्कुल, मैं बोलता रहता हूँ, सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, कम से कम बन के करवा दो। अभी तक 43 ही हैं, 10-11 वीडियो बढ़ने के बाद ही 43 हैं, बढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, ना व्यूज़ आ रहे हैं ज़्यादा। अगर कोई कमी है ब्लॉग में तो वो बताइए, वो ठीक करूँगा। मुझे पता है ब्लॉग अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं ओनली घर के ब्लॉग बना रहा हूँ, बाहर जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये मेरा वादा है आने वाले टाइम ब्लॉग बहुत अच्छे आएंगे, बाहर के ट्रैवल के घूमने के हर जगह के। तो बन रही मेरे चैनल में मेरे साथ, और चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।